कोई उसको उठा करके ले जाए, और यदि ले जाएगा तो खोलेगा, यदि खोलेगा तो आपकी लाख खुल गई। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। उपाय करें गुरुवार के दिन, दूसरा उपाय क्या करें, इसी गुरुवार के दिन से व्रत प्रारंभ करें। एक सरसों के तेल का दीपक जलता रहे, हाथ में कमलगट्टे की माला हो या हल्दी की माला हो उस माला को लेकर बिटिया बैठ जावे, पीला कपड़ा पहन लेवे, है ना। अब पीला कपड़ा पहन करके मंत्र है ओम कात्यायनी महामये महायोगी भीष्मरी नंद गोप संदेही पति में कुरुते नमः। अर्थ है हे कात्यायनी माता महामये, मेरा विवाह भगवान कन्हैया के जैसे अच्छे गुण वाले व्यक्ति के साथ में संपन्न हो और मेरा विवाह परिणय संस्कार शीघ्र संपन्न हो, यह प्रार्थना माता कात्यायनी की बेटियों को करना चाहिए। कितने बार, कम से कम 41,000 बार मंत्र बोले और 41,000 आहुति इसी मंत्र से कर देने। रुक्मिणी माता भी मंत्र का जाप कर रही हैं, क्या करती हैं, मैया प्रतिदिन कात्यायनी मंदिर जा रही हैं, के जो पुत्र है श्री कृष्ण है उनके साथ मेरा विवाह संपन्न हो। साथियों 41,000 मंत्र हो चुका और माता रुक्मिणी जिस दिन प्रार्थना कर रही थी तो ये फूल मैया के आंचल का फूल टूट करके रुक्मिणी के गोदी में गिर गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। कभी कभी होता है भाई साहब, कभी कभी होता यह है कि बड़े बेटे कभी कभी घर में पिताजी की पूछ नहीं करते और पूछते भी नहीं है, मन मर्जी में काम कर लेते हैं। तो भीष्मक ने भी यही किया, क्या किया भीष्मक ने, बताया बेटा हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है। भैया ये तो भी भैया जाएगा रजत।